हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपका चेहरा दिन ब दिन बहुत ही ख़राब होता जा रहा है, आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, चमक नाम की चीज़ नहीं है, चेहरे की चमक कहीं खो गई है, चेहरा आपका दिन ब दिन सांवला होता जा रहा है, जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियाँ आती है तो चेहरा साफ होने की बजाय और काला पड़ने लगता है, गर्मियों में भी यही हाल है, स्किन पर टैनिंग हो गई है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेस पैक लेकर आई हूँ जिसको आप अपने चेहरे पे लगाएंगे ना, आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, स्किन बिल्कुल एक सार बच्चों जैसे ब्राइट हो जाएगी और इसी के साथ साथ आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, चेहरे का रंग दिन ब दिन साफ होता जाएगा। इतना अच्छा आपके लिए फेस पैक लेकर आई, और सबसे अच्छी बात, इस फेस पैक में सारी की सारी चीज़ें हमारे घर की ही नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं जिनमें कोई केमिकल नहीं होता, घर के ही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिससे आपका फेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और इसी के साथ आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा, सुंदर, शानदार, एकदम अलग ही नूर आपके चेहरे पे आएगा, ऐसा ये फेस पैक आपके चेहरे को बनाने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फेस पैक हमें कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है। और इसके अलावा आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन सुपर मॉम, जो कि सेम मेरे चैनल का भी नाम है, वहां पे भी हम बातें कर सकते हैं स्किन के रिलेटेड, या फिर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आता वहां पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे आपको पिंपल्स है, झाइयाँ हैं, बाल बहुत झड़ते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह है मुल्तानी मिट्टी फेस पैक बनाने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, हमको चाहिएगा मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मैंने यहाँ पे मुल्तानी को पीस कर इसका पाउडर बनाया। आप चाहे तो मार्केट वाला पाउडर भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एक चम्मच लेना है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी पाउडर हमारे चेहरे को गोरा बनाता है, चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करता है, साथ साथ अगर आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल्स आते रहते हैं तो उनको भी मुल्तानी मिट्टी पाउडर ख़त्म करता है। बहुत ही पुराने टाइम से साबुन का, फेस वॉश का सोर्स रहा है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। हमारी दादी माँ, नानी माँ सदियों से मुल्तानी मिट्टी पाउडर यूज़ करते आए हैं अपने चेहरे की सुंदरता को, बालों की सुंदरता को पाने के लिए। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल। आप चाहे तो यहाँ पे मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ करें, चाहे तो फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पौधे वाला एलोवेरा जेल, टोटल आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच के हिसाब से एलोवेरा जेल भी ले लूँगी। और एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हमारे चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करता है, पिंपल्स को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद तीसरी चीज़ हम यहाँ पे मिलाएंगे टमाटर का रस। आपको टमाटर पीस से कट करके आधा टमाटर लेना है और जो इसके अंदर का पल्प है ना, निचोड़ते हुए इसमें डाल लेना है। टमाटर हमारी स्किन को क्लीन करता है, बहुत ही अच्छे क्लिंजर का काम करता है और हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है, गोरा बनाता है, दाग धब्बे ख़त्म करता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसका पल्प भी ले लूँगी। इसके बाद चौथी चीज़ हमको इसमें मिलाना है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। दूध आपने इतना लेना है, ठीक सा पेस्ट बन जाए, ना ज़्यादा गाढ़ा बने, ना ज़्यादा पतला बने। दूध हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे चेहरे को गोरा बनाता है, साथ साथ हमारी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज़र देता है। किसी की ड्राई स्किन है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, कोई भी स्किन वाला रॉ मिल्क यूज़ कर सकता है। थोड़ा सा दूध इसमें और मिला लेंगे, क्योंकि ये ठीक सा पेस्ट ताकि बन जाए। अभी गाढ़ा मुझे लग रहा है यहाँ पे, और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। दूध हमारे चेहरे के रंग को निखारता है और हमारी सुंदरता में चार चांद लगाता है। तो हमारा ये बहुत ही अच्छा जादुई फेस पैक बनके रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो फेस पैक हमारा बनके रेडी है। मैं ब्रश की हेल्प से इसको अपने चेहरे पे लगाना करूँगी स्टार्ट। इस तरह से आपको ये फेस पैक लगा लेना है। आपको ये फेस पैक हफ्ते में कम से कम 3 बार तो लगाना ही है। इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए ये फेस पैक आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिल्कुल फ्री रहते हैं तो आप चाहे तो इसको डेली भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हफ्ते में 3 बार तो आपको लगाना ही है। आपको छोटे मोटे दाने निकलते रहते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपके फेस पे बहुत टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, किसी किसी को क्या होता है धूप में जाते ही, सर्दियों में धूप में जाए बिना तो सरता नहीं है। आप अगर जैसे धूप में जाते हैं, आपको बिल्कुल जो है आपके फेस पे, आपके फोरहेड पे, यहाँ पे टैनिंग आ जाती है ना,
तो आप चाहे तो इसमें साथ साथ जो है शहद मिला सकते हैं, यानी कि हनी, वो आपके चेहरे की टैनिंग को भी खत्म करेगा। कोशिश किया करें उतना ही फेस पैक बनाया करें जितना आपके चेहरे पे यूज हो सके, और पुराना फेस पैक ना ही लगाए तो अच्छा है। बाकी थोड़ा बहुत आपका बच जाता है तो आप नेक्स्ट डे के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी आप कोशिश करें सारी की सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डालें ताकि जो है एक बार के लिए फेस पैक बने। ये फेस पैक मैंने लगा लिया है, मैं इसको जब तक ये सूख नहीं जाता ना इसको अपने चेहरे पर रखूंगी। उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश करना है, साबुन फेस वॉश का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप ही ये आपकी स्किन को क्लीन कर देगा। तो मैं इसको सुखाने के बाद इसको वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने फेस पैक सूखने के बाद मेरा चेहरा कर लिया है पानी से साफ। आप देख सकते हैं कितना क्लीन आपको मेरा फेस लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा ये फेस पैक है। मैं अच्छे से आपको रुमाल से भी क्लीन करके दिखा दूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इससे मेरे चेहरे पे बिल्कुल ग्लो आया है और मेरे बालों में भी फेस पैक घुस चुका है। एज यू कैन सी माई फेस। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन आते हैं ना उसको ज़रूर दबाना ताकि आप हमारी हर की वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।